जय हिंद जय भारत सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्त? दोस्तों मेरा भी एक रूट था जिस रास्ते में जा रहा था, तो उसमें मैंने कंपनी के गेट के बाहर देखा कि एक इंडियन फ्लैग लगा हुआ अपना, और वो तारों के अंदर उलझा हुआ है जो कि अच्छे तरीके से लहरा नहीं रहा है, जो आन बान शान के साथ लहराता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं इंडियन फ्लैग से बहुत प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने अपनी साइकिल पर भी इंडियन फ्लैग लगाए हुए हैं, और मैं भी इस कंपनी के ऑनलाइन नंबर निकाल के इसको फ़ोन करूँगा ताकि इस झंडे को आज़ाद करें, तरीके से रखें। तो अभी मैं फिर देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं एक्शन करते हैं तो फिर मैं जाता हूँ सीधा सिक्योरिटी के पास और इसको इन तारों से निकालता हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी से बाहर कि किस तरीके से उलझा हुआ है वो। ये देखिए तारों के अंदर उलझा हुआ है। तो अभी मैं अपने फोन से इस कंपनी को कॉल करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या बोलते हैं। ये नंबर लग नहीं रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी जाता हूँ उनकी स्कूटी के पास और देखते हैं क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं भी नंबर डायल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या मुझे रिस्पांस मिलता है। अभी कॉल लगा नहीं है। हेलो, ये ओरिएंट क्राफ्ट से बात कर रहे हैं? ओरिएंट केबल से बात कर रहे हैं? नहीं यार। कहाँ से? रॉन्ग नंबर है सर। भाई ये रॉन्ग नंबर है जो ऑनलाइन पे निकाला, अभी दूसरा नंबर ट्राई करता हूँ निकाल के। दोस्तों अभी लगा है कॉल, अभी देखता हूँ, मैंने नंबर निकाला ऑनलाइन, अभी मैं देखता हूँ बात करके। दोस्तों कॉल नहीं उठाया। मैंने काफ़ी ट्राई किया ऑनलाइन नंबर निकाल के, तो मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, जाता हूँ वहाँ पे, अभी तक नहीं निकला है वो, जाना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ जी, ये नमस्कार जी, ये ओरिएंट केबल से बात कर रहे हैं? सर मुझे भिवाड़ी वाले प्लांट का नंबर मिल जाएगा, जो भिवाड़ी में प्लांट आपका ओरिएंट केबल का? बताइए। एक्चुअली आपके उसके गेट के ऊपर एक इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और सिक्योरिटी मतलब वो तारों में उलझा पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ तो गेट के बात में बोल रहे हैं? नहीं, मैंने देखा है, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इसको प्लीज सिक्योरिटी को बोल के उसको बोलिए कि निकाले उसमें से। हाँ थैंक यू, बोलना सर। हाँ प्लीज सर, इज्जत है सर इंडिया की। हाँ बोलना सर प्लीज। तो दोस्तों अभी कॉल लग गया है, बड़ी इज्जत से बात करी, दिल खुश हुआ, और उन्होंने बोला कि थैंक यू आपने हमें नोटेड कराया। और अभी देखते हैं, मैं गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, तो वहाँ से आएंगे तो देखते हैं क्या एक्शन होता है, वेट करना।